मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए और तेजी से कार्य किए जाएं। पछुआ दून में पिछले काफी समय से अवैध खनन का मामला सामने आ रहा है और लगातार खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि आसपास की नदियों से भी अवैध खनन करते हैं। इसको लेकर प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसको देखते हुए एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार के साथ तहसीलदार और खनन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर छापेमारी की। वहीं इस दौरान विकास नगर के उप जिला अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि स्टोन क्रशर पर रूटीन चेकिंग की जा रही है, मानक के अनुरूप यहां काम हो रहा है। पछवा दून क्षेत्र में कुछ स्टोन क्रशर लगाए गए हैं, इनकी एक रूटीन में खान विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा चेकिंग की जा रही है कि नॉर्म्स के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, क्या नियमों का पालन किया जा रहा है, कितना इनके पास मटेरियल है, उसकी एक रूटीन अभी चेकिंग की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है। यहां राजधानी देहरादून के निजी होटल में बीजेपी के सभी मोर्चाओं की बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी मोर्चों की बैठकों का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भाजपा द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी रूपरेखा तय करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। देखिए, बहुत उत्साह है, आप सभी लोग देख रहे हैं। आज यहाँ पर सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक है, जिला अध्यक्षों की बैठक है और उत्साह आपको दिख ही रहा होगा, कितना उत्साह लोगों में है, सब कार्यकर्ताओं में है। तो इसमें हमारी जो पिछले दिनों हमने कार्यक्रम किए थे मोर्चों ने, उसकी भी चर्चा हो रही है और आगामी जो कार्यक्रम है चुनाव की दृष्टि से भी है, 2024 का चुनाव हम सबके सामने है, तो निश्चित तौर पर उसको देखते हुए भी कार्यक्रम दिए जाने हैं, उन पे चर्चा हो रही है। 5 से 9 जनवरी तक देहरादून के परेड मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे युवा महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर फोटो गैलरी एवं विभिन्न स्टॉलों का भी भ्रमण करेंगे। युवा महोत्सव के प्रत्येक दिवस पर विभिन्न आयोजन होंगे। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में खेल मंत्री रेखा आर्य ने यह जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि परेड मैदान के खेल परिसर में स्टार्टअप युवा समूहों, स्वयं सहायता समूहों, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल एवं एग्रो प्रोडक्ट आदि के 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके और युवाओं को किस प्रकार से स्वरोजगार के दृष्टिकोण से भी वो किस प्रकार से समर्थवान बन सकते हैं, तो इस प्रकार के शख्सियत को भी उन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया है। और युवाओं के ऊपर ही यह इस बात की जिम्मेदारी भी है कि युवा अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति परंपराओं को लेकर कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए, वह प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके अंदर का वह जो कौशल है वह बाहर निकल के भी आता है और हमारा युवा कल्याण विभाग मौका भी देता है। तो एक सुनहरा अवसर है जो 5 तारीख से लेकर 9 तारीख में हमारे नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल और हमारे अन्य जो हमारे यूथ हैं वे इसमें प्रतिभाग करते हुए अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को भी बढ़ावा दे सकते हैं और साथ ही अपने करियर को भी दिशा दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने एक बार फिर से प्रदेश में करोड़ों के रुपये गबन का आरोप लगाया है। गरिमा दसौनी ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक किसानों को जिंदा दिखाकर और उनके परिवार वालों के फर्जी साइन करके करोड़ों का गबन किया गया है। मेरा निवेदन रहेगा मुख्यमंत्री जी से कि पूरे प्रदेश की जाँच कराई जाए, क्योंकि उत्तरकाशी में भी इसी तरह के फर्जीवाड़े की खबर आ रही है। डोईवाला विधानसभा में
तो मेरे पास दस्तावेज रखे हुए हैं मृत किसानों के कि वहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है, ये मैं पूरी तरह से सत्यापित कर सकती हूँ। मसूरी विधानसभा जो कि मंत्री जी की खुद की विधानसभा है, वहाँ बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर किसानों के अकाउंट में ही पैसा नहीं जा रहा है, और क्योंकि योजना के नाम में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो ऐसे में बड़ी किरकिरी जो है प्रधानमंत्री जी के नाम और रसूख के साथ भी हो रही है। और क्योंकि विधायक और मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो अब जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ये कौन से स्तर का भ्रष्टाचार है जहां आप किसानों के मुंह का निवाला तक नहीं छोड़ रहे हैं।